आरबीआई ने की लोन रीस्ट्रक्चरिंग 2.0 की घोषणा। 25 करोड़ रुपए तक के लोन लेने को मिलेगी सुविधा। नमस्कार दोस्तों, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आज कोरोना और उससे जुड़ी स्थितियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने छोटे व्यवसायों और सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यमों के लिए कहा कि 25 करोड़ तक का लोन लेने वाली छोटी कंपनियों को लोन रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा दी जाएगी, यानी उन सभी लोन लेने वाली कंपनियों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा जिन्होंने पिछले साल लोन रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा नहीं ली थी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वो छोटी कंपनियां जिन्होंने पिछले साल यानी कोरोना की पहली वेब के दौरान लोन रीस्ट्रक्चर कराया था, वह अपने टेन्योर के 2 साल तक और बढ़ा सकते हैं। अगर किसी ने 10 साल के लिए लोन लिया है तो लोन लेने वाली छोटी कंपनी उसे 12 साल तक का लोन रीस्ट्रक्चर करा सकती है। आरबीआई ने इंडिविजुअल छोटे कर्जदारों के लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग की दूसरी विंडो खोली है। इसके तहत जिन्होंने पहले लोन रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा नहीं ली थी और उनका लोन 25 करोड़ रुपए तक का है, वह इस बार लोन रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा ले सकते हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोविड-19 का प्रकोप बना रहने से सामान्य कामकाज और नकदी प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में एमएसएमई क्षेत्र में दबाव और बढ़ा है और उसे सहारे की जरूरत है। लोन रीस्ट्रक्चरिंग का सीधा मतलब लोन की मौजूदा शर्तों को बदलना है। बैंक इन्हें ग्राहकों की सहूलियत के लिए बदलते हैं। इससे बैंक या वित्तीय संस्थान लोन की मूल रकम और इस पर ब्याज का बेहतर तरीके से प्रबंधन कर पाते हैं। इसका बैंकों और ग्राहकों दोनों को फायदा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।